जाएंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी जापान की जीडीपी पे है। गाइस देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक में जापानी इकोनॉमिक की हैसियत कम हो रही है। ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक की रैंकिंग में फिसल कर फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमिक मतलब एक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान की ग्रोथ के आंकड़े और उनकी पुष्टि कर सकते हैं कि जापान की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर करेंसी में कमजोरी और आबादी का असर देखने को मिल रहा है। गाइस फोर्थ क्वार्टर में जापान की सालाना ग्रोथ 1.2% रही है। अगर आप देखोगे कैलेंडर ईयर 2023 के आंकड़े तो डॉलर के लिहाज से जर्मनी से कम रह सकते हैं। ये आंकड़े 15 फरवरी को जारी किए जाएंगे। अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों देशों से आगे निकल जाएगी। गाइस जापान कभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर था और इसमें गिरावट देश की जो आर्थिक रफ्तार है उसको लेकर नए सवाल खड़े करेगा। गाइस इसी के साल 2010 में चीन की इकोनॉमिक ने जापान की इकोनॉमिक को पछाड़ दिया था। हालांकि इस बार जापानी इकोनॉमिक ने पिछड़ने को लेकर जितनी भी नीति हैं निर्माता हैं उन पर आम लोगों में उस तरह की चिंता नहीं दिखा रही है कि जैसा कि 2010 में देखने को मिली थी, जब चीन जापान से आगे निकल गया था। इसकी एक अहम वजह यह है कि यह बात मोटे तौर पर सबको पता है कि करेंसी में कमजोरी के कारण अर्थव्यवस्था पिछड़ी रह जाती है। ये जापान के शेयर बाजार में तेज़ी का ट्रेंड है और वहाँ का केंद्रीय बैंक 2007 के बाद पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए तैयार है। 15 फरवरी के आंकड़ों के बाद बैंक ऑफ जापान इस दिशा में निर्णय कदम उठा सकता है। जापानी अर्थव्यवस्था एंड जितने भी हिजन कुमाऊं के मुताबिक जापान की जीडीपी में गिरावट की मुख्य वजह करेंसी में कमजोरी है। उन्होंने कहा कि सस्ता जापान एंड जापानी अर्थव्यवस्था को छोटा बना रहा है एंड जापान जर्मनी से पिछड़ रहा है और वास्तविक मायनों में उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक जापान की इकोनॉमिक 2012 में 6.3 लाख डॉलर थी, जो कि 2023 में घटकर 4.2 लाख करोड़ डॉलर हो गई है। हालांकि इसका मुख्य वजह डॉलर के मुकाबले येन में कमजोरी है, जो $1 के बदले 80 येन से बढ़कर पिछले साल 141 येन तक पहुंच गया था। हालांकि जापानी मुद्रा येन के लिहाज से देखा जाए तो इस अवधि में जापानी अर्थव्यवस्था में 12% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो गाइस थोड़ा सा आपको इस पर नज़र बनाकर चलनी पड़ेगी क्योंकि इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हम अपनी मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। बाकी गाइस सब खुद से स्टडी करिए, चेक करिए, इन्वेस्ट करके चले। चैनल पर नए हैं ना तो लाइक्स